मॉर्निंग। सुबह के अभी 8:30 बजे हुए हैं। थोड़ा लेट हो गया मैं उठने के लिए। आज मुझे दिल्ली निकलना है एंड प्लान तो ये था कि मैं 7:30-8 बजे तक निकल जाऊँ, लेकिन 8:30 हो गए, कोई आधा पौना घंटा लेट चल रहा है। इसके बाद मैं जा रहा हूँ ऑफिस में, कुछ सामान मुझे वापस करना है एंड उसके बाद मैं जा रहा हूँ नाडा साइड। नाडा साइड में माथा टेक के मैं सीधा निकल जाऊँगा दिल्ली की तरफ। वहाँ जाने से पहले मैं मिलूंगा रास्ते में करनाल में अपनी फ्रेंड से, देन सोनीपत में स्टॉप लूँगा, देन मैं दिल्ली पहुँचूंगा। तो उम्मीद है कि 7 से 8 बजे तक मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपने जो पूरी जो पंचकुला सीरीज़ है उसको इतना सक्सेसफुल बनाया और इतनी बढ़िया वो सीरीज़ कही। और मैं को उम्मीद है कि मैंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की मैं डेली ब्लॉग्स डाल सकूँ और वो हुआ। मेरे को उम्मीद है कि आने टाइम में मैं डेली ब्लॉग्स डाल पाऊँगा। कैसी लग रही है आपको सीरीज़ मुझे ज़रूर बताओ, आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो। एंड एक एरिया में दोबारा किस तरीके से एरिया आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सुबह सुबह एकदम मस्त धूप धूप आ रही होती है एंड ये बढ़िया। एंड मेरा बैग यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारा पैक्ड है, काफ़ी सारे बैग्स में लेके आया था हैंड कास्टिंग के लिए। इसमें मेरी लाइट्स और माइक थे, इसमें मेरे शूज़ है सारे, और ये सारे कपड़े, और ये मेरा ऑफिस का बैग, और ये पानी की बॉटल। तो निकलते हैं आप सीधा दिल्ली की तरफ। ऑन हो गया पैक और हम चल रहे हैं दिल्ली की तरफ। दादू हमारे पास यहाँ पे बहुत ही सही, हमने मज़े मारे हैं एंड थैंक यू सो मच। अब दिल्ली आना है आपको। थैंक यू किस बात का। नहीं नहीं ऑफिस वाला काम मैं कंप्लीट हो गया, मैं कोई स्क्रीन ली थी वो स्क्रीन वापस करनी थी। मैं जा रहा नाडा से, यहाँ पर लेफ्ट में मेरा ऑफिस और सामने नाडा साइड का रास्ता है, तो काफ़ी सही एकदम पास में, इतनी बढ़िया जगह। चलते हैं नाडा साइड। बहुत बार सुना है मैंने यहाँ पे नाडा साइड के बारे में, लेकिन मैं कभी मौका नहीं लग पाया था कि मैं आऊँ। फाइनली आज मैं, क्योंकि ऑफिस आया हुआ था यहीं पे पास में, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ के दर्शन कर जाए। एक छोटा सा वॉक थ्रू मैं आपको करवा दूंगा इस वीडियो के थ्रू। अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि जितना कवर हो सके वो कवर कर सके। एंड आप आइए, हाईली रिकमेंडेड, एंड लेट्स सी अंदर जाके क्या होता है। अपनी गाड़ी के लिए एंड काफ़ी सही लग रहा है। 100 रुपीज़ का ये है, ये भी 100 का जी। और ये वाले आइटम्स इनका भी एक ही रेट है। नाडा के दर्शन मैंने कर ले, काफ़ी सही था, काफ़ी शांति थी। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होता, इस वजह से मैंने फ़ोन इस्तेमाल नहीं करा। मैंने यहाँ से एक ही चीज़ ज़रूर परचेज किया ताकि मेरे को हमेशा याद रहे। गाड़ी में मैं लगा रहूँगा, एक अच्छी फीलिंग है। अभी लंगर वगैरह नहीं लिया, नेक्स्ट टाइम जब मैं विजिट कर रहा हूँ तो मैं ज़रूर नाडा साइड में आऊँगा, लंगर लूँगा एंड ट्राई करूँगा और अच्छे से कवर कर सकूँ। आप यहाँ पे आ सकते हो, 24 घंटे खुला रहता है, काफ़ी सही अरेंजमेंट है, काफ़ी सही पार्किंग स्पेस वगैरह आपको मिल जाती है। एंड ज़रूर आइए, जब भी आप पंचकुला चंडीगढ़ विजिट कर रहे हो तो नाडा साहिब ज़रूर आइए, तो काफ़ी ही मतलब एक शांति आपको मिलेगी, सुकून आपको मिलेगा। यहाँ पे हनी पाजी का अपना एक यूट्यूब चैनल है जी, जी डिजिटल म्यूजिक, जी डिजिटल म्यूजिक गैंग, डिजिटल म्यूजिक गैंग, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये भी अभी यहाँ पे मिले हैं मुझे, मैं अभी सामान इनसे खरीदा था करे, और मेरे भी इतने फॉलोअर्स हैं, प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब करके मोटिवेट करो, और बहुत सही कंटेंट आने वाले टाइम में डाल रहे होंगे। तो करनाल अभी कहाँ गई, अरे करनाल पहुंच चुका हूँ, जिससे मैं मिला था निधि भंडारी, मेरे कॉलेज की दोस्त है। इसके बारे में और बताऊंगा अभी ब्लॉग में। एंड काफ़ी दिनों से प्लान था कि मिलेंगे तो मैं वापस जाते हुए मिल लूँ। एक कैफे ग्रिल जो कि है मॉडल टाउन में, ये बता रही है कि कैफे अच्छा है, देखते हैं खा के कि है या नहीं सही में अच्छा। लेट्स गो। कुछ बोलना चाहती है, देखते हैं क्या बोलते हैं, बताइए। हाय एवरीवन, ये मुझसे बहुत टाइम बाद मिल रहा है लॉकडाउन में, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने बाद। एंड हम दोनों ने 15 मिनट से हम साथ में, तो 15 मिनट से 10 मिनट इसने ब्लॉग्स बनाए हैं, 5 मिनट मुझसे बात की है, तो बस एक बताना था। देखो ये कंटेंट के लिए तो देखो ये सब करना ही पड़ता है, क्या करना है, कोई नहीं, आप आराम से बात करते हैं, फोन पर रख देते साइड में। भैया हमारे लिए है पानी, और पानी का चेयर्स करते हैं। फार्म हाउस पिज्जा यहाँ पे चीज प्लस पिज्जा हमने बनवाया है, काफी सही ये लग रहा है ये। अरे यार क्या बेकार है, पिज्जा से काफी टेस्टी है, डोमिनोज वगैरह उन सब से थोड़ा अलग है। और मैंने मंगवाई थी तो यहाँ पे हॉट कॉफी, लेकिन यहाँ पे बस दूसरी कोल्ड कॉफी मिल गया। अच्छा भंडारी बेचारी दुखी हुई, अच्छी नहीं लग रही भंडारी चाय, और यहाँ पे मोमोज आते हुए स्टीम मोमोज काफी सही लग रहे हैं। ऐसे चटनी, चटनी के लिए तो मोमोज फेमस होते हैं, और ये बहुत ही शानदार, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें इस रेस्टोरेंट में खाई है, काफ़ी सही थी, पेट बहुत ज़्यादा भर गया, आपने देखा होगा कितने सारे आइटम्स खाया। सर्विस थोड़ी सी ढीली है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो रेस्टोरेंट बढ़िया है, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। नाम है कैफे ग्रिल करनाल में, और ये भंडारी हमारी।
और लेकिन इतने as usual पूरा एक घंटा सिर्फ अपने ब्लॉग्स बनाया, बाद में उससे सिर्फ 10 से 15 मिनट किए, ये झूठ झूठ बोल रही है। काफी सारी डिस्कशन करी हमने, बेचारी लड़की ने अभी नई नई जॉब दी, कौन सी कंपनी में दिया, गोल्डमैन सैक्स, जो भी बहुत ही तगड़ी कंपनी है, एंड मोटिवेट मुझे भी कर रही है कि हाँ यू ऑल्सो फोकस ऑन करियर और सब चीजें, लेट्स सी कि क्या होता है, डिस्कशन कुछ कंक्लूड कर रही होती है नहीं कर रही होती। बाकी ये जो हमारा लड़का है यहाँ पे भैड़ी, इसके साथ मेरी आज डिस्कशन हुई है कि इसको अपनी आइडियल डेट कैसे टाइप की चाहिए, कैसे टाइप का सेटअप है, कैसे टाइप की लड़की के साथ ये डेट पे जाना चाहेगा। ही इज सिंगल, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, जिनको भी क्रश है, तो एकदम लगता है मैसेज कर सकते हैं। लगता है मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, मेरी मम्मी देख रही होगी। इंटरेस्टिंग कंटेंट भाई। नहीं नहीं भाई ठीक है भाई, इट्स ओके, लड़का सिंगल है अपना एंड काफी बढ़िया एंटरटेन करता है, तो ठीक है। अरे सब ठीक है, मम्मी कुछ नहीं है ऐसा, गर्ल्स प्रेफर्ड बनिया की थोड़ी ज्यादा, ये मेरी मम्मी देख रही होगी, मम्मी मेरे को डांट रही होगी। टाइम जैन गर्ल्स, यू कैन लिसन टू दिस। बिल्कुल, तो मैंने वहाँ ड्रॉप कर दिया था और अब मैं आ गया यहाँ पे मन्नत हवेली पे, यहाँ पे ब्रेक लिया है, पौने पांच घंटे तक मैंने गाड़ी चला ली, काफी थकान हो गया, तो एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद सीधा निकल रहा हूँ सोनीपत, जहाँ पे मैं और लोगों से मिल रहा हूँ। लॉन्ग जर्नी के बीच में छोटा ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इतना हेक्टिक हो जाता है, अगर एक भी छप्पी लग गई तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ऐसे छोटे छोटे ब्रेक सही रहते हैं। और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि सारे कैफेज खुले होंगे, ढाबे खुले होंगे, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ये सारे फुली फंक्शनल है, भीड़ एज एक्सपेक्टेड जितनी थी उतनी नहीं है, तो वो थोड़ा सा कमी मैं देख पा रहा हूँ। और मेरे ख्याल आने टाइम में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि लोग थोड़े अब दोबारा से डरने लगे हैं बाहर निकलने के लिए। स्वीट यहाँ सोनीपत में फेमस शॉप है यार के स्वीट्स, यहाँ से हम ले रहे होंगे चीज़ें काफ़ी सारी, सारे आइटम्स हमें मिल जाएंगे, काफ़ी सारे चिप्स मिल रहे हैं, गुंजिया की बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आप देख पा रहे हो मिल रही है, और समोसा गुंजिया की गर्मा गर्म गुंजिया बनती है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया था कि सोनीपत में मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन जाम बहुत ज़्यादा है, आप देखो पूरा लाल लाइन दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मैं सीधा दिल्ली निकल रहा हूँ, वेस्टर्न पेरिफेरल पकड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें फिक्स है कि मैं दो घंटे चार मिनट में घर पहुँच जाऊँगा, अदरवाइज दूसरा रूट पकड़ता उसका ढाई घंटे तीन घंटे भी हो सकता है, जाम बहुत हो रखा है, बहुत ही बुरे हाल है, एंड देखते हैं हम 9:15 तक का प्लान है, मेरे को लग रहा है 9:30 बजे तक मैं घर पहुंच पाऊंगा, 9:15 बज रहे और मैं पहुंच चुका घर, और जो ट्रैफिक था वो काफ़ी ज़्यादा रहा, बीच में मुझे मिला, मैंने कैंप भी पकड़ लिया था, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम सेव हो गया, एंड अभी भी पता लगा कि जाम वहाँ पे भी कंटिन्यूड है, तो रात को या पी कार्स में आप अवॉइड करो उस रास्ते से जाने से। एडिशन आया एक तो आया एक कैमरा, इस कैमरे को हम यूज़ करा करेंगे, दीपांशु से मैंने लिया है, दीपांशु से मिल नहीं पाया था मैं, लेकिन कैमरा मैंने जरूर कलेक्ट कर लिया था, एंड उसके अलावा मैंने एक साइकोलॉजी की बुक ली है, थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट बना था साइकोलॉजी पढ़ने का, तो हिमांशु की मदर ने मुझे बुक दी है, जो कि एक साइकोलॉजी की प्रोफेसर है, तो इसके बारे में पढ़ूंगा, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, कुछ टिप्स आपके पास है तो प्लीज़ मुझे बताइए, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू लर्न और न्यू अबाउट साइकोलॉजी। तो इस व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ, आज का दिन काफ़ी सही गया, काफ़ी हेक्टिक था, काफ़ी लंबी जर्नी मैंने करी, करीब करीब 8 घंटे मैंने गाड़ी चलाई है, एंड 320 किलोमीटर के आसपास काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई, तो वो बहुत ही अच्छा रहा, एंड कि हमें बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, #BeLikeBhaidi, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो।